आ चुका हूँ नोएडा के अंदर और आज के वीडियो में आपको एक ऐसी कंपनी के अंदर लेके आया हूँ जहाँ पे कुछ छोटी छोटी मशीनें हैं। अगर वो सेटअप या फिर प्लांट आप लगा लेते हो तो डेली का आप लगभग 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10,000 रुपये, ये मैं बात कर रहा हूँ छोटे प्लांट की। अगर आप बड़ा प्लांट या उससे भी बड़ा प्लांट लगाते हो तो ये कमाई लाखों में चली जाती है। तो दोस्तों, आखिर ये कौन सी मशीन है, क्या वाकई में आप इस मशीन से 10,000 रुपये कमा सकते हो, कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है और मार्केट में वो कहां और कैसे सेल होगा, क्या उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आपको वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, नहीं तो जरूरी जानकारी आपसे मिस हो जाएगी। तो ज्यादा देर ना करते हुए सीधा कंपनी के अंदर चलते हैं और देखते हैं आज के प्लांट के बारे में। दोस्तों, ये प्लांट आपके लिए थोड़ा अनोखा होने वाला है, नया होने वाला है और इसे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है कि जिसकी डिमांड सभी घरों के अंदर है, हर कोई इंसान इसको यूज करता है। ये प्रोडक्ट कोरोना से पहले भी था, कोरोना के अभी भी है और आगे भी चलता रहेगा, ये कभी बंद नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको कुछ प्लांट्स दिखा देता हूँ कि जो कि आज का जो सेटअप है या फिर बिजनेस है जिसको अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो सेटअप लगेगा या फिर प्लांट लगेगा वो कौन कौन सा होने वाला है, कितनी मशीनों का सेट है, तो सबसे पहले वो दिखाते हैं, बाकी की बात हम आगे वीडियो में भी करते रहेंगे। जैसे कि मैं इंटरव्यू में अपने व्यूअर को बता रहा था कि ये वाला प्लांट लगा के या फिर ये बिजनेस शुरू करके वो 10,000 रुपये डेली का कमा सकते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है 10,000 रुपये कमाना? सर देखिए, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मान के चलिए हमारे पास 2 से 3 बिजनेस ऐसे हैं जिससे आपको मुनाफा होगा और डेफिनेटली होगा, 10,000 क्या 15,000 भी कमा सकते हैं। अच्छा, तो क्या वो जैसे कि आप बता रहे हैं 3 बिजनेस, तो क्या वो 3 बिजनेस इसी वीडियो में आप दिखाने वाले हैं? सर 3 बिजनेस है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमारे पास जो फैक्ट्री में मशीनें तैयार करते हैं, बकायदा मैं उनका प्रोसेस भी आपको समझाऊंगा कैसे करते हैं, कैसे काम होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, हमारा आफ्टर सेल सर्विस क्या रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने। तो क्या 10,000 रुपये ही कमाए जा सकते हैं या फिर इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं? सर देखिए, हमारे पास अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है, आप जितना बड़ा प्लांट लगाएंगे आपका मुनाफा और मार्जिन कह सकते हैं उतना ज़्यादा बैठता है। अगर बड़ा लगाएंगे बड़ा होगा, छोटा लगाएंगे तो छोटा होगा। तो आप वीडियो में बने रहिए, सर ने बताए थे कि आपको 3 बिजनेस हैं उनके पास, उनमें से कोई ना कोई आपको ज़रूर पसंद आएगा, तो एक एक करके मैं वो 3 बिजनेस दिखाने की कोशिश करूंगा कि और फिर आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि किस बिजनेस में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए प्लांट देखते हैं और बिजनेस के बारे में जानते हैं। मैं आपको पहले बिजनेस के बारे में बताना चाहूँगा जो है बाथ सोप मेकिंग का। इसमें क्या है, इसमें आपका प्रोसीजर होता है जैसे 5 मशीनों का, जिसमें पहली हमारी मशीन आती है मिक्सर मशीन। अच्छा, ये हमारा सिग्मा मिक्सर होता है हैवी ड्यूटी में, जिसके ब्लेड आपके सिग्मा टाइप होते हैं। जो भी अपना नूडल्स है, ग्लिसिन है, सोप सोन पाउडर है, कलर है, परफ्यूम है, ये डाल के हम इसमें मिक्स करते हैं। अच्छा। इसमें 32-35 मिनट्स का मिक्सिंग प्रोसीजर चलता रहता है हमारा। उसके बाद हम जो हमारा मटेरियल होता है वो यहाँ से डिस्चार्ज कर लिया जाता है, देन हम इसको लेके चलते हैं ट्रिपल रोल मिल मशीन में, जहाँ पे इसकी पिसाई की जाती है। वो पिसाई के लिए हमारा 3 रोल मिल होता है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस तरीके से। 3 रोल मिल में जब माल हमारा पिस जाता है उसको हम डालते हैं हॉपर के अंदर, इसको हमारा एक्सट्रूडर कहते हैं, एक्सट्रूडर में डाला जाता है, जहाँ से हमारा ये वैक्यूम होने के बाद अपना यहाँ से बाहर बिल्कुल लंबाई में निकलता रहता है शेप लेके। जैसा भी शेप होगा आपका, रेक्टेंगल राउंड, उसी हिसाब से यहाँ पे माउथ प्लेट लग जाती है आपके साबुन के अकॉर्डिंग, उसी अकॉर्डिंग हमारा ये माउथ प्लेट के अकॉर्डिंग साबुन हमारा निकलता रहता है। जब हमारा प्लॉडर से एक्सट्रूडर से साबुन निकल के हमें मिल जाएगा, उसके बाद जो हमें मिलेगा वो 1 से 1.5 फुट के बीच में हमें वो डंडा मिलेगा, उसको हमें इस जगह पे इस तरीके से रखना होता है। और ये जो हमारे ब्लेड्स होते हैं सारे एडजस्टेबल होते हैं, जो भी आपके साबुन का लेंथ होता है उसके अकॉर्डिंग ये कटिंग मशीन में ब्लेड को एडजस्ट करके आप इसको पीस पीस किया जाता है। यहाँ पे हमें जब हमारा साबुन पीस पीस होने के बाद मिल जाता है, उसके बाद हमें उसका काम रहता है कि शेप देना, फाइनल प्रोसीजर। ये है मैनुअल प्रोसीजर हमारा। ठीक है। इस अगर किसी के पास बजट नहीं होता है, लो बजट में चाहिए होता है, तो वो मैनुअल मशीन से अपना काम स्टार्ट कर सकता है। अब मैं आपको लेके आया हूँ न्यूमेटिक स्टम्पिंग मशीन पे, जिसमें हमारा काम बहुत ही सरल रूप से हो जाता है, बहुत ही इजी वे में हो जाता है। जो भी आपका लेबर या जो भी आपका कारीगर इसमें बैठेगा वो उसको बिल्कुल ही ऐसा फील नहीं होगा कि उसको थकावट फील नहीं होती है इस मशीन से, वो इजीली प्रोडक्शन निकाल सकता है, प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है इस मशीन पे। ये आपका 2 तरीके से यूज होता है, एक तो हमारा स्विच ऑपरेटेड है ये, ठीक है,
और एक हमारा फुट ऑपरेटेड है। अच्छा, फुट ऑपरेटेड के लिए हमारा यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है, इसको आप पैर के नीचे रख के भी फुट से चला सकते हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डिटर्जेंट केक मेकिंग मशीन की तरफ, जो कि दूसरा बिजनेस है। उसमें आपको तीन मशीनों की आवश्यकता होती है। मिक्सर हमारा सिग्मा मिक्सर ही रहता है इसमें भी, क्योंकि सिग्मा मिक्सर हैवी ड्यूटी होता है, तो हम इसमें जो है कुछ भी पीस सकते हैं। तो ये भी सिग्मा मिक्सर अपना सेम है, जो कि बाथ सोप, टॉयलेट सोप और अपना पाउडर के लिए एक अलग से मिक्सर होता है, बस ओनली। इसमें आपका पहले डिटर्जेंट केक मिक्स होता है, मिक्स होने के बाद सेम प्रोसीजर होता है हमारा साबुन को निकालना, निकालना मतलब एक्सट्रूड करना। उसके लिए ये है हमारा छोटा एक प्लॉडर होता है, जो कि विदाउट वैक्यूम होता है, ये सिंप्लेक्स प्लॉडर बोला जाता है इसको। इसमें से जब हमारा साबुन आप जो भी आप मिक्सिंग डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये अपना फॉर्मुलेशन को निकालता जाता है। उसके बाद हमारा प्रोसीजर होता है कटिंग का। कटिंग का प्रोसीजर भी हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक तो मैनुअल भी होता है प्लस ऑटोमेटिक भी होता है। जिनके पास बजट नहीं होता वो मैनुअल कटिंग मशीन अपना यूज़ कर सकते हैं, जो कि हैंड ऑपरेटेड होता है। अगर किसी के पास बजट है तो अपना वो ऑटोमेटिक कटिंग मशीन से भी अपना काम स्टार्ट कर सकता है। अब मैंने आपको एक चीज़ और बोला था कि अगर आपको साबुन पे नाम प्रिंट करना है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो एक रोटरी स्टैंपिंग मशीन आती है, वो अपना बार भी काट देता है लेंथ में, प्लस आपके साबुन पे नाम भी स्टम्प करता हुआ चलता है। और इसमें ब्लेड लगे होते हैं हमारे, जो अपना गैपिंग एरिया है वो अपना बार को लेंथ में काट भी देता है। आइए अब लेके चलते हैं आपको हमारे तीसरे बिजनेस की तरफ, जो कि है डिटर्जेंट पाउडर का, जिसमें आप एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, और वो भी मार्केट में इसका लोकल ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा सेल होता है। तो पहले मैं आपको मशीन दिखा देता हूँ मिक्सिंग की, जो इसमें मिक्सिंग के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारा पैन मिक्सर बोलते हैं इसको। इसमें 7-8 टाइप के, जो भी फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग 10 टाइप के केमिकल्स भी हम डालते हैं। अच्छी तरीके से मिक्सिंग होने के बाद हम डालते हैं इसको, लेके चलते हैं स्क्रीनिंग मशीन में। ये है हमारी स्क्रीनिंग मशीन, जिसमें हमारे सारे पार्टिकल्स जो है एक एक करके अलग हो जाते हैं, एक तरीके से छन जाते हैं। देन फाइनल जो इसका प्रोसीजर होता है पैकेजिंग का, और इस फील्ड में जो है पैकेजिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पैकेजिंग आपका जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा आपके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस दी जाती है मार्केट में। तो पैकेजिंग के लिए हमारे पास दो टाइप की मशीन है, मैंने आपको बताया। पहला तो है मैनुअल बैंड सीलर बोला जाता है इसको, ये कंटिन्यूस बैंड सीलर होता है, ये पूरा आपके परफॉर्मेंस के ऊपर कार्य करती है। जिस तरीके से आप इसमें माल देते जाएंगे उस हिसाब से ये पैकिंग करती जाएगी। ये हमारी ऑटोमेटिक पैकेजिंग मशीन है, इसमें आपका जो भी साइज होता है वो पूरा ऑटोमेटिक अपना पैक होता चला जाता है। कितने ग्राम से कितने ग्राम तक करता है ये? सर देखिए, हर साइज के लिए अलग अलग मशीन यूज की जाती है, जैसे 30 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक की कोई मशीन करती है, क्योंकि इसका सीलर मायने रखता है। क्योंकि सीलर को हम जितना बड़ा रखेंगे उसी हिसाब से उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। 1 किलो, 1/2 किलो, आपका 2 किलो, सबके लिए अलग अलग मशीनें आती है, डिपेंड करता है सीलर और क्या कैपेसिटी मशीन आपका वेट सह सकता है, तो उसी हिसाब से ये मशीन तैयार की जाती है। दोस्तों अभी आपने देखा कि किस तरह से साबुन बनाया जाता है, पाउडर किस तरह से बनाया जाता है। अभी आर्यन सर हमारे साथ हैं, जो कि यहाँ के ओनर भी हैं। तो सर हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं कि जो साबुन होता है नहाने वाला, या फिर कपड़े धोने वाला, या फिर डिटर्जेंट पाउडर, तो उनकी जो कॉस्ट आती है बनाने की वो कितनी आती है, एक एक करके तीनों का आप बता दीजिए। देखिए अगर बात करें अपन डिटर्जेंट केक की, तो वो अगर एक अच्छी क्वालिटी आप बनाते हैं तो वो आपका 20 से 25 रुपए किलो में रेडी हो जाता है। अच्छा ठीक, इस टाइम अगर मार्केट प्राइस की बात करें तो 65 से 70 रुपए किलो में रिटेल में जा रहा है। बाकी आप होलसेल करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपका प्रॉफिट रहता है वो उसके अकॉर्डिंग रहता है। अगर बात करें टॉयलेट सोप की, तो वही टॉयलेट सोप अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिटी आप क्या बना रहे हैं, जैसे आप ए ग्रेड में बना रहे हैं तो वो आपका 80 से 90 रुपए किलो में बन जाता है, जैसे लक्स वगैरह या आपका जो अदर ए ग्रेड में साबुन आते हैं। और मार्केट में अगर 50 ग्राम आप लेने जा रहे हैं तो 10 रुपए का बिकता है, तो 1 kg की कॉस्ट अगर आपकी 80 से 90 रुपए आती है तो बाकी प्रॉफिट आप सोच लीजिए किस हिसाब से देंगे। और बाकी वो अकॉर्डिंग टू आपकी क्वालिटी जो बना रहे हैं उस हिसाब से कॉस्टिंग रहती है। और वहीं अगर सरफ की बात करें तो सरफ और डिटर्जेंट केक ऑलमोस्ट सेम कॉस्ट पे पड़ता है, 20 से 25 रुपए किलो में एक अच्छी क्वालिटी आप बना लेते हैं। अच्छा, मार्केट में ये कितने का जाता होगा? अगर मार्केट की बात करें, अगर डिटर्जेंट केक की बात करें तो इस टाइम रिटेल की अगर बात करें तो हम 65-70 रुपए में जा रहा है। ठीक है, और अगर आप 20 से 25 रुपए किलो में बना रहे हैं
तो आप सोचिए रिटेल में तो ऑलमोस्ट डबल है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप किस तरीके की मार्केटिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका जो है प्रॉफिट इसमें पता चलता है। जो आपका सेटअप है यानी कि जो प्लांट है जो हमने अभी वीडियो में दिखाया, तो उसका प्रोडक्शन पर डे का कितना रहता है? देखिए सर, अगर बात करें मिनिमम, अगर मशीन की बात करें कि कितने प्रोडक्शन से स्टार्ट होती है, तो अपने पास 50 केजी पर आवर से स्टार्ट होती है। अच्छा। जो डिटर्जेंट केक का प्लांट रहता है वो 2.5 लाख रुपए का रहता है, जिसमें पूरा प्लांट का सेटअप आता है, जिसमें आपका मिक्सर, प्लॉडर, कटर और डाई साथ में रहती है, और ये SS का प्लांट रहता है आपका और हैवी रहता है। बनाने के लिए इन तीनों चीजों को जो रॉ मटेरियल होता है वो आप प्रोवाइड कराते हैं या फिर कहीं और से आप उनको दिलवाते हैं? देखिए इसमें आपका जो है रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो ये हर जगह अवेलेबल है, हर सिटी में अवेलेबल है, बट ये है कहीं आपको होलसेलर मिलेंगे कहीं रिटेलर मिलेंगे। ठीक है। बात करें हम प्रोवाइड कराते हैं तो हमसे भी ले सकता है, अगर चाहे वो कि उन्हों की सिटी में मिलता है या नहीं मिलता है तो उसकी भी डिटेल हम उसे प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। तो इजी अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, इजी अवेलेबल है। ओके। तो मैंने मार्केट में अक्सर देखा है कि कई अलग अलग साइज और शेप के अंदर साबुन और वगैरह दूसरी चीजें ये मिलती हैं, तो क्या आपकी मशीनों से भी सभी साइज और शेप बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इसमें क्या है, डाई आप जो भी साइज की हमसे बनवाएंगे उस साइज की आपको डाई मिल जाएगी, आप उससे चाहे जौन सी मर्जी शेप बनाइए, सब शेप के आप साबुन इस मशीन से निकाल सकते हैं। बिल्कुल। और ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये सारी चीजें बनाई कैसे जाती हैं, तो कोई ट्रेनिंग वगैरह या फिर इनका कोई स्पेशल फार्मूला होता होगा, तो क्या आप वो लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं? बिल्कुल, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखो तो इसमें होता क्या है कि लोग जो है डायरेक्टली ट्रेडर वगैरह से जुड़ जाते हैं, तो वो एक अच्छे से गाइडेंस आपको नहीं कर पाते। इसमें आप अगर किसी मैन्युफैक्चरर से जुड़ते हैं तो उसको इसके बारे में पूरी नॉलेज रहती है, और अपनी तरफ से क्या है, अपनी दूसरी पीढ़ी का काम, तो यहाँ से होता क्या है, एक तो नॉलेज तो आपको मिल ही रही है और साथ में सर्विस बहुत मैंडेटरी है, तो सर्विस भी मिलती है, और अपनी एक टीम है जो आपके पास जाती है, वो 4-5 दिन वहीं रहती है। अच्छा। तो पूरी आपको जो है प्रोडक्शन से लेके इंस्टॉलिंग तक सारी चीज करा के आती है, आपको सिखा के आती है। तो इधर कोई ऐसा नहीं है कि भी आपने मशीन ले ली फिर प्रोडक्शन कैसे निकलेगा, क्या बनेगा, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है अपने पास। अच्छा। सारी चीज यहीं से अवेलेबल होगी। अच्छा, यहाँ मैं कुछ सैंपल टाइप से देख पा रहा हूँ, तो एक बार हमारे व्यूअर को दिखाइए कि किस किस शेप में यहाँ साबुन बनाया जा सकता है। अभी इस टाइम बात करें, जैसे ये एक लोकल ब्रांड है, तो ये डिटर्जेंट केक है अपना, तो इसी की कॉस्ट में आपको बता रहा सर, जैसे कि 20 से 25 रुपए किलो में आपका बनके रेडी हो जाता है। तो मार्केट में आप देखोगे तो यही 10 रुपए का आपको रिटेल में मिलता है, बाकी आप जो भी इसमें क्वालिटी बनाओगे वो डाउन भी हो जाएगी, अगर आप चाहो कि अच्छी क्वालिटी बनाए तो आपको बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहीं पे अगर आप एक जैसे कि ये अपना लॉन्ड्री सोप है, तो लॉन्ड्री सोप भी आप इसी मशीन से बना सकते हैं, इसकी कॉस्ट 50 kg की अगर बात करें तो 4.5 लाख की पड़ती है। ठीक है, तो इससे आप जो है लॉन्ड्री सोप भी बना सकते हैं, डिटर्जेंट केक भी बना सकते हैं और डिश वॉश भी बना सकते हैं। सारे रॉ मटेरियल अपने पास ही उपलब्ध होते हैं, और इसके लिए केमिस्ट बकायदा आपके पास जाता है, यहाँ से वो सारी चीज करा के देता है। और ये अपने पास सरफ की, जैसे ये सरफ है, अगर ये पाउडर, डिटर्जेंट पाउडर हम कह लें इसको, तो इसकी मशीन की हम बात करें तो 1.5 लाख से स्टार्ट होती है, 100 kg/h की, जो SS का प्लांट होता है। इसमें पूरा पैकिंग से लेके और बनाने तक का पूरा प्रोसेस आपको बताया जाता है, तो इसका रॉ मटेरियल और मशीन सारी चीजें यहीं से उपलब्ध हो जाएंगी आपको। बाकी आपका ग्लिसरीन सोप हो गया और लिक्विड सोप हो गया, वो सारी मशीनें अपने पास ही मिल जाएंगी आपको, उसके रॉ मटेरियल। तो कपड़े धोने वाले साबुन की बात करें तो 2.5 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और वहीं अगर पाउडर की बात करें तो वो 1.5 लाख से स्टार्ट कर सकते अच्छा। हैं। और कोई अगर ऐसा है कि किसी को अपने अकॉर्डिंग कुछ चीज बनवानी है तो वो भी चीज अपन यहाँ पे बना के दे सकते हैं उसको, और बाकी एक अच्छी क्वालिटी आपकी जो है 2.5 लाख से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस काम को करने के लिए क्या कोई लाइसेंस वगैरह की जरूरत रहेगी? देखिए इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक डिटर्जेंट केक या वॉशिंग सोप से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ सिर्फ आप लोगों को एक ब्रांड लेना है और अपना एक GST या छोटी फर्म खुलवानी है, वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर वहीं पे अगर आप टॉयलेट सोप बनाते हैं तो वहाँ पे आपको जो है कॉस्मेटिक का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अच्छा। जो इजिली अवेलेबल हो जाता है, फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से आपको मिलता है। बाकी ट्रेनिंग और केमिस्ट अपनी तरफ से ही आपके पास जाएगा, वो आपकी मशीनों से आपकी लोकेशन पे जाके आपको सारी चीज सिखाएगा। अच्छा, तो बिजली की कितनी रिक्वायरमेंट रहती है इसमें? सर मिनिमम ही बिजली जो रिक्वायरमेंट रहती है वो मैंने जो आपको प्रोडक्शन बताया कि पर केजी की इतनी कॉस्टिंग आती है, उसमें इंक्लूडिंग आपकी बिजली भी रहती है। आपका जो पूरे दिन अगर बनाते हो तो ज्यादा ज्यादा आप यूनिट भी यूज करते हो, तो ज्यादा 1 kg पे आपका ज्यादा 1 रुपए का जो है बिजली की खपत रहती है। अगर कोई इस काम को करना चाह रहा है, बिजनेस शुरू करना चाहता है,
तो वो बाकी लोगों को छोड़ के, क्योंकि मार्केट में हो सकता है एक दो लोग और भी हों जो इस तरह के प्लांट बनाते हों, तो उनको आप ही के पास से मशीन क्यों लेना चाहिए? बिल्कुल अच्छा आपने क्वेश्चन किया। देखिए सर, इसके अंदर मशीन बनाना बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर क्या है, आप मशीन किस तरीके से बना रहे हैं, उसकी सर्विस कैसे आप उसको दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है अपनी ये दूसरी पीढ़ी का काम है, आपको सारी चीजें यहाँ से उपलब्ध होंगी, प्लस सर्विस आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। और अपने पास क्या है कि जो आप कहीं से परचेज करते हैं मशीनें, वो पूरी गाइड नहीं करता आपको सही तरीके से। अपने पास केमिस्ट भी बहुत बढ़िया है कि आपके पास जो भी आपको जो प्रोडक्शन बनाना है उसके लिए आपको बेस्ट केमिस्ट मिलेगा, प्लस सर्विस मिलेगी और आपकी लोकेशन पे जाके मिलेगी। अगर कोई यहाँ आके प्लांट देखना चाहता है तो एड्रेस क्या रहेगा? सर एड्रेस अपना जो है वो नोएडा सेक्टर 65B48 है, नियर मेट्रो की अगर बात करें तो सेक्टर 62 की है नोएडा की, और कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, आप कहीं से भी आ सकते हैं। हमने आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की कि किस तरह से आप साबुन उद्योग शुरू करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको प्लांट खरीदना है या फिर इसके बारे में कोई और नॉलेज लेनी है, कोई टेक्निकल जानकारी चाहिए या फिर आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, ये सारे सवाल आपके मन में आएंगे तो नंबर हमने वीडियो की स्क्रीन पर दिया हुआ है, आप जब भी उस नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक शानदार वीडियो देखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।